हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज फिर से वहीं पे जाएंगे काम करने, देखते हैं। आज तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाएंगे वहाँ पे काम करने में, बहुत लेट हो जा रहा है। इतना दिन में तो हम लोगों को काम कंप्लीट कर लेना चाहिए था और 30 तारीख तक हम लोगों को काम कंप्लीट करना भी है, तो देखते हैं आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वैसे अंदर का हम लोग शायद कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मैं सुबह 7 बजे लगभग मैं चला गया था, सतीश का कुछ बोर्ड वोर्ड लिखना था तो मैं गया, और छोटा सा काम था इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। तो अभी अपना काम पे चलते हैं, तो सीधे आपसे ब्लॉग पे मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का मौसम भी बादल बादल सा हो रखा है, तो देखते हैं आज भी बारिश आएगी या फिर नहीं। तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मैंने बाइक तो बाहर ही छोड़ दिया है, तो और शायद सस्सी भी तैयार हो गया होगा, खाना उना तो खा लेना चाहिए अभी तक उसे। खाना क्या, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए उसे अभी तक। तो मेरा बाइक तो मैंने बाहर में ही छोड़ रखा था, तो चलिए गाइस वहीं पे मिलेंगे आपसे, सीधे वर्किंग स्पॉट पे सस्सी के साथ। पीछे जो ब्लैक वाला बोर्ड था उसे हम लोगों ने मिटा दिया, उसको येलो करेंगे हम लोग, एनामेल पेंट ही डाल देंगे। लोग मार्कर से लिखेंगे बोल रहे हैं, तो देखते हैं अभी लोग कैसा लिखेगा, हम लोग भी देखेंगे। तो चौक से नहीं लिखेंगे, बहुत लंबा लंबा लिखना होता है तो आपका बॉक्स जो बन रहा है वो छोटा हो जा रहा है बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको येलो में पूरा कर देंगे ताकि मार्कर से लोग पतला पतला लिख सकें। और सस्ती लाइनिंग कर रहा है नीचे, और मैंने वहाँ पर स्केच भी कर दिया है, स्केच किया है मैंने, जो बॉक्स बनाया हुआ है ऐसे में बनाया है बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर मैं अभी फिर से और स्केच करूँगा और उसके बाद कलर करेंगे। तो दोस्तों, स्केच करके मैंने उस पर फेस पे कलर भी चढ़ा दिया है, फेस जहाँ पे स्किन का कलर होता है मैंने उतने जगह में कलर चढ़ा दिया है। तो अभी मैं साड़ी पे कलर करूँगा, तो आप एक बार देख लीजिए पूरा डिटेल से, साड़ी पे मैं कलर कर दे रहा हूँ, देख के बताइएगा आप कैसा लगा। सारे पेंटिंग्स बना लिए, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसमें अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष वगैरह सारा कुछ लिखाएंगे चारों पांचों। और शशि ने भी इस साइड पेंट करना स्टार्ट कर दिया है, देखिए येलो कर रहा है पूरा और काफ़ी साइनिंग कर रहा है देखिए। तो अब जो ये है वो फाइनल रहेगा हम लोग का, इसके ऊपर कोई और कोई कुछ कलर नहीं चढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जा रहा है यही सब करते करते, पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ रहता है तो ऐसा ही होता है। और वो पेंटिंग्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब एक एक लाइन पे बैठे हुए हैं वहाँ पे वैसे ही बैठाया जाएगा शायद, कोषाध्यक्ष को कौन जगह कोषाध्यक्ष बैठेगा, कौन जगह अध्यक्ष, वो लाइन बाय लाइन बैठेगा वहीं पर। तो गाइस, बताना आप लोगों को कैसे लगा पेंटिंग जो मैंने बनाया है अभी। आप अगर इस टाइप का पेंटिंग बनाओगे तो बहुत जल्दी बनेगा, ये मैंने एक घंटे में सारे बना लिए थे, पांचों पेंटिंग्स को।
तो आप भी अगर इस तरह का ट्राई करोगे एक बार ट्राई कीजिए और देखिए अगर आप बना पाते हो कि नहीं। सिंपल बनाना है गाइस, एक या दो कलर, मतलब फेस के लिए भी एक दो कलर यूज़ कीजिए, कपड़े के लिए एक दो कलर, बस उसी में आपका सारा पेंटिंग बन जाएगा। और मेन है आउटलाइनिंग, आउटलाइनिंग अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और प्रपोर्शन भी बहुत ज़रूरी है, प्रपोर्शन अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों मैं घर आ गया हूँ और आज काफ़ी भूख भी लग रही है, मतलब कुछ खाना भी नहीं खाया हमने दोपहर पे, क्योंकि हम लोग लेट से काम पे गए और फिर खा भी नहीं पाए कुछ। मैंने कहने का मतलब काम में बिजी हो गए, उसके बाद खाने का मन भी नहीं किया। तो देखते हैं अभी कुछ शाम को चलेंगे या तो फिर कुछ बनाएंगे, खाते हैं, बनाएंगे। तो वैसे बनाने का मूड तो नहीं कर रहा है, बट इधर उधर खा के आएंगे वो भी अच्छा होगा। कहने का मतलब फास्ट फूड मैं नहीं खाता हूँ, चाउमीन वगैरह तो, बट कभी कभी चलता है। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी जो सॉफ्ट बॉक्स बना रहा था उसे मैं थोड़ा सा कुछ करूँगा, नहीं तो फिर वो तो मतलब उसके लिए टाइम ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अभी एक दो दिन, मतलब दो तीन दिन तो एकदम लगातार मैं बिजी रहूँगा पेंटिंग में, वहाँ जो ब्लॉग में आज हम लोगों ने जो काम किया था उस काम में हम लोग ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। तो देखते हैं अगर हो पाएगा तो करेंगे, वैसे टाइम निकाल निकाल के अपना ये सॉफ्ट बॉक्स वाला काम को करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखते हैं अभी कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों मेरे पास तो टेप नहीं है चिपकाने के लिए, जो कार्टून जो मैंने काट के रखा है सॉफ्ट बॉक्स बनाने के लिए उसमें जो टेप से चिपकाना पड़ेगा उसे पहले, तो वो टेप नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए फिलहाल नहीं करते हैं उसे और चलते हैं कहीं घूम के आते हैं बाहर। खाना पीना बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, मतलब बहुत भूख लग रहा है, कुछ तो खा के आएंगे। वैसे शशि भी बाइक ले गया है, कहाँ जाऊँ, दूर ही जाना पड़ेगा अगर खाने के लिए भी। देखते हैं फिर भी देवीगुड़ी चौक साइड जाके आते हैं। तो दोस्तों मैं उतर गया नीचे और काफ़ी रोड खाली खाली सा लग रहा है, कोई नहीं आगे ना पीछे नहीं है, इसीलिए ब्लॉग भी कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे मजाक उड़ाते रहते हैं ब्लॉगिंग करने पर। तो दोस्तों चलिए सीधे चलते हैं कोई होटल वगैरह, देखते हैं कुछ कुछ खाने को मिल जाए। तो बंद हो चुके हैं, शशि आता तो सीधे चले जाते हम होटल ढाबा, बट देखते हैं कब तक आता है वो। मैं आया हूँ साक्षी के घर और ये रही साक्षी का, आओ गोदी हो जाओ, आओ। तो बाइक में नहीं घूमेंगे ना? नहीं नहीं चलो करो। हेलो गाइस, मुंह बना के दिखा देगी साक्षी, और बना दो तो एक बार, अभी मूंगफली खा रही है साक्षी, और टीथ दिखा दो, तो टीथ ऐसा दिखा दो, ऐसा दिखा, हाँ दो टोकी थे ना तेरा नीचे साइड में ना, हाँ क्या खा रही है साक्षी? मुंह को भी बना देती है। काफी अंधेरा हो गया है दोस्तों, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। डरवा दो तो वाह रे बाप, और एक बार डरवा दो, वाह रे बाप, चलो नाच दो तो। नहीं उतरो, गिरेगी लड़की। आओ ऐसा करके आओ, ऐसा ही आओ, ऐसा ही, अरे गिरेगी। टाटा बाय बाय। हे गाइस, मैं आ गया वापस अपने रूम
तो दोस्तों साक्षी का तबीयत खराब है, इसीलिए ठीक से बात भी आजकल नहीं कर पा रही है। कहने का मतलब खुश नहीं है। और उसकी मम्मी का भी तबीयत खराब है, मम्मी और साक्षी दोनों का तबीयत बहुत खराब था। फिलहाल वैसे ठीक ही है, वैसा कुछ तबीयत ज़्यादा खराब नहीं है। कहने का मतलब सर्दी खांसी हुआ है, बस वही बुखार वगैरह आ जा रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग तो वैसा, कहने का मतलब हम लोग काम पे लेट ही गए हैं। हम लोग एक जगह काम करने चले गए थे, उससे पहले वहाँ का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। वहाँ वीडियो साहब ने हम लोगों को बुलाया और कुछ उद्घाटन वगैरह था, शायद आम बागवानी वाला कुछ दीवार लेखन करना था। तो हम लोग वहाँ जाके हम लोग दीवार लेखन करके वापस आए, फिर उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया था। तो वही 12:30 बजे लगभग हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, फिर मज़ा नहीं आया। कहने का मतलब आप लोगों को ब्लॉग में भी कुछ नहीं दिखा पाए और काम भी हम लोग का नहीं हुआ ठीक से। पर बट कल से हम लोग काम सीरियसली करने लगेंगे, वो भी सुबह 8 बजे से लग जाएंगे, 8 बजे नहीं तो 9 बजे से सुबह लगेंगे और एकदम लास्ट 6 बजे तक डेली काम करेंगे। मतलब 30 तक ख़त्म करेंगे सोच रहे थे, बट अब 1-2 तारीख तक टाइम चला जाएगा। आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल से जो मैं पेंटिंग वेंटिंग में बनाने वाला हूँ वहाँ पर, वो काफ़ी बेहतरीन होगा और बड़ा बड़ा पेंटिंग बनेगा कल का। कहने का मतलब 5-6 दीवार में बड़ा बड़ा पेंटिंग बनाना है। तो बाहर वाला जो आप लोगों को मैंने दिखाया होगा, बाहर में जो बनाऊंगा बोल रहा था पहले से, तो वही कल से मैं स्टार्ट करूँगा। तो आज जो रूम में हम लोगों ने फाइनल तो नहीं किया है, बट वो हो जाएगा। राइटिंग वाला काम हम लोग थोड़ा लेट से ही करेंगे तो भी चलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, और कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।